नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क आइकन नहीं शो हो रहा है तो इस सिचुएशन में हम अपने कंप्यूटर को नेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वो है ये वीडियो, देखिए यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जैसे कि हमारे कंप्यूटर में यहाँ दिख रहा है नेटवर्क आइकन यहाँ शो नहीं हो रहा है, देखिए। और मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए कस्टमाइज पे क्लिक किया और यहाँ देखिए यहाँ कहीं भी हमें नेटवर्क आइकन शो नहीं हो रहा है जिससे हम नेट को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमें ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है और सर्च में टाइप करना है REGEDIT। इसको सर्च करने के बाद देखिए ऊपर आ जाएगा हमारे सामने रेगेडिट का ऑप्शन, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब हमें यहाँ पर देखिए एच की क्लासिक रूट दिख रहा है, इसके नीचे जस्ट हमें एच की करंट यूजर पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमें इसको ओपन कर लेना है। इसमें और भी सारे मेन्यू यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर को भी इस आइकन पर क्लिक करके ओपन कर देना है। इसमें भी और सारे ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं, तो हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमें क्लासेस पर क्लिक करके इसको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं इसमें, तो हमें यहाँ पर लोकल सेटिंग्स ये रहा, ये ओपन है लोकल सेटिंग्स, इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब हमें इसमें सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, देखिए ये हमने ओपन कर लिया है, सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। उसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली ओपन है, ये देखिए। अब इसके अंदर हमें विंडोज़ पर क्लिक करना है, विंडोज़ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ और ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसके बाद हमें करंट वर्जन ये रहा और इसमें हमें ट्रे नोटिफाई पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले आइकन स्ट्रीम्स है, इसको हमें यहाँ पर इस फाइल को हमें यहाँ पर डिलीट करना है। तो यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद इसे हम डिलीट कर देते हैं और यस कर देते हैं, ये डिलीट हो गई है। अब इसके बाद हमें पास्ट आइकन स्ट्रीम पर क्लिक करके इसको भी हमें यहाँ से डिलीट कर देना है इस तरह से, तो इसको भी हमने डिलीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर हमें नीचे टास्क बार पर क्लिक करना है, वो भी राइट क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। राइट क्लिक किया, इसके बाद हमें स्टार्ट टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। जिससे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रोसेस पर ही क्लिक करना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर explorer.exe फाइल है, उसको हमें ढूँढना है। तो देखिए यहाँ पर explorer.exe फाइल है, इस पर हमें क्लिक करके इसको हमें एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है और इसको एंड प्रोसेस कर देना है। एंड प्रोसेस करने के बाद ये प्रोसेस एंड हो गया है। अब इसके बाद हमें फाइल पर जाना है, फाइल पर जाने के बाद न्यू टास्क रन करना है, तो इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है, टाइप करना है explorer.exe, explorer टाइप करने के बाद हमें
ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए ये रन हो चुका है और मैं दिखा देता हूँ कहाँ है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये रहा देखिए ये रन हो चुका है। और उसके बाद जैसे हमने इसको क्रिएट किया था, रन किया था, तो यहाँ देखिए हमारे सामने यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन आइकन यहाँ पर, नेटवर्क आइकन यहाँ पर दिखने लगा है, शो होने लगा है देखिए, और ये नेट से भी कनेक्टेड है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब हम यहाँ से आसानी से इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन, ये आइकन अब कभी भी हाइड नहीं होगा, कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम अगर बाय द वे प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।